मैडम कह रही है कि समान वेतन चाहिए, समान प्रांग के तहत, तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है, हम सबकी मांग यही है कि जब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, वो कहते हैं कि हम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के विपरीत नहीं जा सकते हैं, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी कार्य में सभी लोग समान काम समान वेतन लागू करता है, उसके तहत अगर जो आपको सुप्रीम कोर्ट के विपरीत नहीं जाने का अनुमति है, तो हमारे काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमको समान कार्य समान वेतन हमारा लागू किया जाए, और हमारा फिर उसके पैरा 4 में संशोधन करके हमें पुनः सहायक अध्यापक पद हमारा दिया जाए वापस, क्योंकि हमें समाज में जीने नहीं देगा। हम सब लोग को सब की निगाह से देख रहे हैं, हम लोग का जीना दुश्वार हो गया है, हम लोग अपने बच्चों से अपने परिवार से आंख नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कोर्ट कहता है कि ये लोग अयोग्य हैं। जब हमको 3500 दिया गया तो हम बड़े योग्य थे, हमने BLO की ड्यूटी किया, चुनाव आयोग में चुनाव के लिए हमने BLO में ड्यूटी किया, भरपूर सहायता दी हमको, मतदान के समय प्रथम मतदान अधिकारी बनाया गया, हमने बखूबी उसका निर्वहन किया, सब काम हम अच्छे से किए। उसके बाद आज जब हमको यूपी सरकार में अखिलेश सरकार ने समायोजन करके जब सहायक अध्यापक पद दे दिया हमको, तो सब लोग कहते हैं ये उस लायक नहीं है, ये अयोग्य हैं। क्या हम लोग का अधिकार नहीं है कि जब हम कम पैसे में अच्छा काम करते हैं, अच्छा हुनर दिखाते हैं, वही जब ज़्यादा पैसा पाते हैं तो अयोग्य ठहराए जाते हैं? हमारे समाज में क्या विडंबना है? हम माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या हम निवेदन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ये लोग क्या सोच रहे हैं हम लोग के बारे में, क्यों हम लोग की ऐसी दुर्दशा कर रखे हैं? हम लोग आज 50 दिन होने वाले हैं, 1-2 दिन में हम लोग सड़कों पे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे? यही है कि हमारा सम्मान हमारा सहायक पद वापस दे दें, समान कार्य समान वेतन लागू तब तक कर दें जब तक पैरा 4 में संशोधन नहीं हो जाता, अध्यादेश लाके हमें पुनः स्थापित कर दें।